तो हुमायूं के मकबरे में ही ये पीछे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे टॉम्स बने हुए हैं, जिसमें से ये एक है। और इस वाले मकबरे पे हम चढ़ने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर चढ़ने की कोई सीढ़ियाँ हैं। पूरा 360 हमने इसको देख लिया घूम के, कहीं से भी हमें इसका एंट्रेंस दिखा नहीं ऊपर जाने का। और फाइनली 360 पॉइंट पे आके हमें ये वाला एंट्रेंस दिखाया। ये शाही नाई की कब्र है, जो मुगल काल में उनका नाई रहा होगा, बार बार स्टॉम बोलते हैं। वहाँ पर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। इसे भी उसी तरीके से बना हुआ है, इंडो इस्लामिक शैली में। हाँ, जालियाँ अलग बनी हुई हैं, वही रेड सैंडस्टोन का यूज़ दोबारा, और वाइट मार्बल, और ऊपर लगी हुई है नीली छतरियाँ। वो इंडियन आर्किटेक्चर की विशेषताएँ हैं, जो वो लगी हुई है। और अंदर चलते हैं, अब अंदर देखते हैं। अंदर जो एक चीज सबसे ओरिजिनल है, ये दरवाजे ही है, उन दरवाजों से ऑब्सेस्ड हो गए। दरवाजे और पत्थर जो मार्बल्स हैं, यही ओरिजिनल है। बाकी और वो ऑब्वियसली कब्रें तो नहीं ओरिजिनल। यह है नाई की कब्र, बाहर लिखा हुआ है एक पुरुष की और एक महिला की कब्र है। इसमें भी उसी पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है कब्र के ऊपर। चलते हैं यहाँ से भी बाहर। अब यहाँ चलते हैं अंदर की तरफ। ये वाला डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं निजामुद्दीन। अब यहाँ से आवाज आ रही है वो ट्रेन की। कोई भी ट्रेन आ गई। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, बट इसको भी बहुत सारी इसके ऊपर भी हम आपको आगे ब्लॉग दिखा सकते हैं, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। वीडियो यही खराब कर रहा है, बार बार यहाँ से वो हॉर्न की आवाज आ रही है ट्रेन के। यहाँ कॉइन के शेप में शायद कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं, और वो शायद नमाज अदा करने का वो है, मुझे लग रहा है ऐसा। वो शायद मस्जिद हो सकती है, या इस जहाँ पे पर्टिकुलर नमाज अदा करते हैं वो होता है। गार्ड भैया आ चुके हैं कॉलेज में, चलते हैं इसके अंदर। और ये स्पैंडीर डिज़ाइन, अंदर का डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ किसी की कब्र नहीं है, लेकिन यहाँ का जो यहाँ जो सबसे अच्छा डिज़ाइन, यहाँ वेल प्रिजर्व किया हुआ है, सबसे अच्छा डिजाइन यहीं का लग रहा है। ऊपर नीली टायर्स लगी हुई है, और वो भी बहुत डिजाइन वाली है, खूबसूरत। उसकी डिटेल्स कैमरे पे नहीं दिखेंगी, बट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन है। और उस टाइम का एंटीक पीस भी है। और यहाँ से चलते हैं बाहर। मुझे की बात तो ये है भाई कि मतलब जो कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, वो बिल्कुल अंदर की तरफ होती है। किसी भी जैसे राजघाट में हम गए थे, तो वहाँ पे अंदर की तरफ लेक्स थी, तो वहाँ पे कोई आता नहीं है। इसी तरह से अभी हम यहाँ पे हैं, और इतना अच्छा आर्किटेक्ट अंदर कर रखा है, बट यहाँ पे कोई आ नहीं रहा। जो हुमायूं का मकबरा है, वो इंडिया का पहला मकबरा है जो गार्डन के साथ बनाया गया था। और चारों तरफ गार्डन जो होते हैं उन्हें चार बाग बोला जाता है, उस टाइम भी चार बाग बोला जाता था। और वो मुगल वास्तुकला का एक नमूना है बहुत अच्छा। और जो चार बाग के बीच में जो नहरें जा रही हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं, वो जन्नत को एक तरीके से कॉपी करने के लिए बनाई गई है, ताकि लोगों को लगे कि जो मुगल बादशाह हैं वो जन्नत में आराम कर रहे हैं। ट्रेन की आवाज़ सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है सफर करने का मन कर रहा है। यहीं से पकड़ के निकल जाते हैं बिहार। बिहार वी आर कमिंग, रॉक कर देंगे। बिहार की ट्रेन पकड़ते हैं यहाँ से सीधा, रॉक कर देंगे बिहार। जो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, वो
हुमायूं के मकबरे से इंस्पायर है, वो भी बिल्कुल इसी डिज़ाइन में, और उसकी तरफ भी चारों तरफ गार्डन ऐसे हैं बनाए हुए हैं, मगर एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है और जो ताजमहल है उसमें एकदम पूरी तरीके से वाइट मार्बल का यूज़ कर रखा है, और वहाँ पर भी कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं। ये ईसा खां का मकबरा है, यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ जो कि बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है। जैसे आप हुमायूं के मकबरे के लिए एंटर होंगे तो सबसे पहले यही वाला ईसा खान का गार्डन और टॉम दिखेगा आप, उसके बाद उस साइड पे आपको दिखेगा हुमायूं का मकबरा एंट्रेंस। ये ईसा खां का मकबरा है, हालांकि ये हुमायूं के मकबरे के प्रेमाइसिस में ही एग्जिस्ट करता है, और ये इसके बनिया होने का कारण ये है कि क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हुमायूं को हरा कर शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और वो बादशाह बन गए थे थोड़े टाइम के लिए, और जो ईसा खां है वो उनके दरबार में एक अमीर थे, वो कोर्ट में थे उनके, और उनके मरने के बाद इसका निर्माण हुआ था, और इसके बगल में ही इसके सामने ही मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पर, वो भी ईसा खां की मस्जिद है, अब वो सामने है उस तरफ, अभी हम वहीं जाएंगे, वहीं से देखते हैं। ये इसका कॉर्नर पार्ट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ऐसा बिल्ड किया गया है, और ये मस्जिद है जो ईसा खां के मकबरे के साइड में ही है, ईसा खां के टॉम के साइड में यही मस्जिद है। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं जो कि हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें। मिलते हैं आपसे आप अगली वीडियो में।